सत श्री अकाल सारे अपने यूट्यूब की वीडियो देखने वाले नूं। अज आप लैके आए हैं थोड़े लिए कुबोटा का ट्रैक्टर जो कि बिल्कुल एंटीक पीस है अपने एरिए दे विच बठिंडे दे विच। ते इहदा आ वेख सकदे हो जी कुबोटा MU 5501। ये ट्रैक्टर बनता जी जापान तो, मेड इन जापान का। आ वेख सकदे हो तुसीं इधर लग्या होया। तो ये है जी 2019 मॉडल। तो इंजन HP है यदी, पूरी इंजन HP पूरी 55 है जी। यदि देख सकते हो कितना स्टाइलिश ट्रैक्टर है। आ देख सकते हो सारे ट्रैक्टर का व्यू। तो सिंगल पीस बॉलनट है। आ देख सकते हो सिलेंडर लग्या हुआ इस दे विच। तो बिल्कुल ही छोटा जहा इंजन है। तो 55 तो लैके 60 HP तक ये प्रोड्यूस करता है। आ देख सकते हो आदि फीचर बहुत छोटा। सब तो पहला वेख सकते हो 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तो पंप बिल्कुल ही छोटा जहा, मान के चलो भी ब्रेक पैडल दे साइज का पंप है जिहड़ा। ये लिफ्ट पंप ते लिफ्टां दे पंप ते स्टीयरिंग दा इधर वेख सकते हो। हाँ जी, सब तो पहला गल करते हैं आपां इस दे डैशबोर्ड ते आ चुके हैं। आपां देख सकते हो कुबोटा दा स्टीयरिंग बिल्कुल पतला जहा ते निक्का जहा स्टीयरिंग है। आ वेख सकते हो ते RPM मीटर वेख सकते हो तुसीं। सब तो पहला जी फ्यूल गेज जाने की तेल दी सूई। तो इधर वेख सकते हो RPM मीटर सारा वेख सकते हो। इधर वेखो जी हॉट कूल दी गेज आ जाती है इंजन टैंपरेचर दी। तो इधर आउंदे जी अपना नंबर दे विच वेख सकते। हाँ देखो जी ये जाने की आ डिजिटल स्मार्ट मीटर लग्या होया। ये वर्किंग आवर शो कर दिया जी 547.2 घंटे शो कर रहे जी। तो नाल ही आ जाती है हॉर्न की स्विच। इधर आ जाता जी एक्सीलेटर हाथ वाला। तो पैर वाला पैडल इधर आ जाता जी इसका। तो ब्रेक पैडल वेख सकते हो। तो इधर आ जाते जी गेयर लिवर। ये है जी फ्रंट लाउना लॉक लाउना। सब तो पहला दसते हैं आप थोनू यदि गेयर स्पीडा बारे। आ वेखो इस दे लीवर दे विच सिर्फ फ्रंट के गेयर ने। पहला इत्थे आ जांदा, दूजा पिछे, तीजा अगे, तो चौथा पिछे नूं आ जांदा। चौथा जाने कि टॉप गेयर। तो रिवर्स होंदा जी इन्हां हाई लो वाले गेयरां दे विचों। अगे नूं आ जांदी है लो दी स्पीड, तो बिल्कुल पिछे आ जांदे आ हाई दे सारे गेयर। तो इत्थे आ जांदा जी न्यूट्रल, तो इत्थे हो जांदा हाई। ए जे आपां रिवर्स लाउणा तुहानूं पहलां वी दस्सिया तां आपां नूं ये बिल्कुल बैक नूं करना पैणा। इत्थों ये लगदा जी रिवर्स। तो नाल ही आ जांदा इधर वेख सकदे हो तुसीं आ जाता जी क्लच पैडल इसका। तो लाइट की स्विच इत्थे इस दी आ वेख सकते हो। आ वेखो जी आप दिखाने थोनू इस लाइट स्विच इंडर इंडीकेटर टर्निंग की स्विच तो चारों इंडीकेटर ब्लिंक की। आ वेख सकते सब तो पहला दसद थोनू आप वेखो ये लैफ्ट राइट दे इस तरह चलते है जी इंडीकेटर। तो आ जाती है इसकी लो बीम हाई बीम लाइटा की स्विच। तो ये चलते जी चारों इंडीकेटर ये वेख सकते हो तुम। एक बटन दे किन्ने ज़्यादा ऑप्शन ने जी। आ वेख सकते हो इधर आ जाती है चाबी लाने आप की होल इधर आ जाता है। हूँ वेखो जी यदिया लिफ्ट दियाँ वर्किंग इतों ये वध घट चक्कर होंगे जी जिमें कि दसते हैं भी कैपैसिटी हैवी। सब तो पहला आ वेखो जी सीट वेखो कुबोटा की नाल दी सीट। तो एडजस्टेबल सीट है जी। आ वेख सकते हो कई पॉइंट ने इनू अगे पिछे करन दे। ते इधर आ जाता जी हाथ दे विच PTO का लिवर PTO का क्लच सॉरी। आ वेख सकते हो तो इस तो हुण थोनू आपां ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म विखाउणे आ। आ वेखो सब तो खुला प्लेटफॉर्म है जी इस ट्रैक्टर का। बहुत ज़्यादा स्पेस है इस दे उपर। कोई भी चीज़ आप आरामदारी नाल इस दे उपर रख के खेत दे विच ले जा सकते हैं। आ एक पौड़ी है जी इसकी, ये पौड़ी ते चढ़ के उपर प्लेटफॉर्म ते चढ़िया जांदा। बाकी आ मडगार्ड का व्यू वेख सकते हो। इंडीकेटर वेखो जी किन्ने स्टाइलिश इंडीकेटर ने इस ट्रैक्टर के। अज तक के किसी भी ट्रैक्टर के बहुत घट वरते गए आ, बहुत अलग दे इंडीकेटर ने। तो टायर साइज वेखो जी MRF दे ओरिजिनल टायर ने। तो इसका साइज है जी आ वेखो 16x28। बाकी आ वेट वेखो जी इस दे वेट। ये वेट का वजन दस दें जी थोनू आप। सब तो पहला यदा वजन है जी पूरा 50 किलो। तो नाल ही इस दे नट वेख सकते हो 8 नट ने इस दे। बहुत वड्डे साइज के नट ने जिमें कि कदे भी ट्रैक्टर किन्ने भी हैवी काम चला लिए आप स्लिप नहीं कर सकते।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਕਾ ਬਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਾ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਟ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਟ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਊ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਪੀ ਟੀ ਓ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਪੀ ਟੀ ਓ ਓਪਰੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਜੀ 540 ਓਪਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੱਕ ਹੈ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਦੇ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਹ ਪੀ ਟੀ ਓ ਆ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਓ ਸ਼ਾਫਟ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਚਿਰੀ ਦੀ ਪੀ ਟੀ ਓ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਲਿੰਕਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਮਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਟੇ ਬਾਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟਡ ਸਟੇ ਬਾਰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਿੰਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿੰਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਟਿਊਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਕਸਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਡਰੋਬਾਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਆਰਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਫਟ ਐਡਜਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਸਟੇ ਬਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜੀ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਹਾਰਡ ਸੌਫਟ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਬੋਟਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੱਡ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲਾ ਐਕਸਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਹ ਲਿਫਟ ਲੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਫਟ ਲੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਲੀਵਰ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2500 ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
तो नाल ही इधर टंकी का व्यू वेख सकते हो, रिवर्स पीटीओ का लोगो लग्या हुआ, तो इधर शीशा वेख सकते हो तुसीं। आ वेखो जी वाइट कलर का अपना इहदा लिफ्ट का फिल्टर, तो आ वाटर सैपरेटर वेख सकते हो, नाल ही डीजल फिल्टर आ जाते हैं जी। तो बाकी आ कुबोटा का पावरफुल इंजन वेख सकते हो तुसीं, तो बैटरियां लगिया हुई ने जी इस दे विच, आ वेख सकते हो। तो जिवें कि आपां तुहानूं पहलां दस्सिया सी, इस दे पंप वेखो तुसीं, लिफ्ट का ते पावर स्टीयरिंग दा किन्ने ज़्यादा छोटे पंप ने, दो अटैच होए हुए ने, आ वेख सकते हो। आ वेखो जी सिंगल है ये गला, तो वेख सकते हो इस दे नाल दो वर्क करता है, नाल तां पावर स्टीयरिंग दा वर्क करता है, तो नाल ही करता जी लिफ्ट दा वर्क इस दे नाल। ते आ डीजल पंप वेखो ट्रैक्टर दा किन्ना ज़्यादा छोटा है जी, मेड इन जापान है ट्रैक्टर, तो आ वेखो किन्ना ज़्यादा छोटा है, आ देखो 4-5 इंच दे विच ही है जी इस पंप का साइज, वेखो बिल्कुल ही छोटा जिहा पंप है। तो इधर वेखो आ लगे हुए ने जी फिल्टर, तो इधर आ रही पावर स्टीयरिंग दी पाइपां, तो आ फ्रंट के टायर का साइज दस दें जी थानू, आप एम आर एफ के टायर ने 7/16 के फ्रंट टायर ने इस, तो आख सकते हो ड्राई टाइप एयर क्लीनर है जी। तो पिछे वेख सकते हो कुबोटा का ओरिजिनल रेडिएटर, तो आ छोटी जी स्मार्ट बैटरी है जी, इसनों जिवें कि कारां च वरतदे आं आपां, ओडिक बैटरी नाल ही स्टार्ट हो जांदा जी, तो बाकी बैटरी दे टर्मीनल आ जांदे ने, इधर हॉर्न आ जांदा जी। तो आ रेडिएटर दे अगे लगी जाली वेख सकदे हो वैसे तो तुसीं, आ वेखो जी इस दे नाल कोई भी ज़्यादा वड्डा कचरा हुंदा ना तां ओह रेडिएटर दे अंदर नहीं जांदा, जिवें कि रेडिएटर चौक होने की समस्या आती है वो ये बहुत घट जाती है जी। आखो जाली पिछे हट गई, उधरली साइड निकल जाती है जी, आखो इस तरीके। तो आ रेडिएटर की पानी वाली टैंकी वेख सकते हो जी, आखो तो नाल ही रेडिएटर का फैन वेख सकते हो, प्लास्टिक का फैन है। तो अल्टीनेटर वेखो, स्मार्ट टाइप का अल्टीनेटर है जो कि कारा के वरत्या जाता। आ सलंसर की भट्ठी वेख सकते हो तुसीं, टर्बो नाल, आ वेखो जी इस ट्रैक्टर की टर्बो, बिल्कुल छोटी जी टर्बो लगी हुई है, तो पावर का कुछ कह ही नहीं सकते आप भी इन्नी पावर बनाउंदी है ये निक्की जी टर्बो जी। आ वेख सकते हो सलंसर वेखो, सब तो पहला किन्ना वधिया तरीके का सलंसर लग्या होया, तो इसनू कवर किया होया जी जाली नाल, जे कई बार ज़्यादा गर्म हुंदा सलंसर तो इसनू हाथ लग जाता तो कुछ नहीं हुंदा जी। हुण आपां तुहानू बोलनट खोल के विखावां, आ वेखो किन्नी वधिया स्पीड नाल ओपन हो रहा, आ वेख सकते हो वो है जी इहदा शॉकर, तो बाकी फाइबर की टंकी वेख सकते हो तुसीं, आ वेखो जी आ वापसी की नज़र आ रही है न्यूज़ल, तो उधर ढक्कण आ जांदा जी, तो चौरस टंकी है जी इसनू, आ वेख सकते हो कई पार्ट जे बन जाते इहदे, पिछे अलग तो है अगे अलग तो है एक ही टंकी पर शेप इदां दी है इसकी। हुण वेख सकते हो जी कुबोटा का इसका व्यू अपना वॉलनट का, आ वेख सकते हो नाल ही लाइटां वेखो जी, बिल्कुल छोटिया छोटिया लाइटां ने, तो वर्क बहुत वधिया इसका, तो आ कुबोटा का के का लोगो वेख सकते हो तुसीं। तो जाली वेखो किन्नी ज़्यादा वड्डी दित्ती हुई है इस ट्रैक्टर नूं एयर क्रॉसिंग लई, तो आ 3 साल वारंटी का लोगो वेख सकते हो। तो इधर आ जांदियां जी इस दियां स्पेसीफिकेशन, 10th एनवर्सरी की आ जाती है, डोल क्लच शटल शिफ्ट तो ओ आई वी वैट डिस्क ब्रेक, तो पावर स्टीयरिंग की आ जाती है, तो नाल ही हुण वेखो जी इसकी सैल्फ बिल्कुल छोटी है, आपां जिन्ने भी ट्रैक्टर रिव्यू किए हैं सब तो छोटी सैल्फ है जी इसकी, मोटरसाइकिल वाली सैल्फ तो बस थोड़ी वड्डी है, तो वैसे ट्रैक्टर स्मार्ट सैल्फ तो भी बहुत ज़्यादा छोटी सैल्फ है जी। आ वेख सकते हो बाकी इसकी प्लेट वेख सकते हो तुसीं, मेक कुबोटा मॉडल MU 5501 सीरीयल नंबर चैसिस इंजन मॉडल, तो बाकी मैक्स पीटीओ पावर तो SP फ्यूल्स कॉन्स, आप वेख सकते हो कुबोटा कारपोरेशन। बाकी आ सिलेंडर वेखो जी इसका, डुअल एक्टिंग सिलेंडर है इस दे नाल पावर स्टीयरिंग है ट्रैक्टर। आ वेखो जी क्लच दियां रोड़ां इधरों आउंदियां, आ वेख सकते हो, तो आ फ्यूल टैंक, तो इस दे नाल है फ्यूल टैप, आ वेख सकते हो तुसीं, इस तो अगे पाइप कनैक्ट होकर फिल्टर तक जाती है।
हुण आपां स्टार्ट करके तुहानूं ट्रैक्टर की आवाज़ सुना रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर है, वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर है जी। इस दे उपर आपां आ वेख सकते हो, धुआं तां बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा जी ट्रैक्टर। काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किया, फिर भी नहीं धुआं दिखा रहा, बिल्कुल साइलेंट इंजन है जी। वेखो आपां तुहानूं वाइब्रेशन फ्री दस्सिया सी ना, आ वेख सकते हो चाह का गिलास रखा हुआ उपर, वाइब्रेशन वेख सकते हो कितनी क वाइब्रेशन है इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल ही नहीं है जी वाइब्रेशन। आ वेख सकते हो तो जी, आ वेख सकते हो ट्रैक्टर का मीटर, बाकी ये इंजन स्टॉप करने लिए कोई भी चौक नहीं है, चाबी तो है जी। आ वेख सकते हो आप बंद किया तो नाल दी नाल ये ट्रैक्टर बंद हो जाता है जी, अगे दियां पोजिशनां ते स्टार्ट हो जाता है। तो इस दे नाल ही आपां वीडियो का एंड करते हैं जी, मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। ते अपनी वीडियो लाइक कमेंट तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो जी।